दिल्ली के अंदर हम मेट्रो के रूट्स कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हमें कहीं से मेट्रो पर सफ़र करना है और किसी स्टेशन पर उतरना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पर कितने रूट पड़ेंगे या फिर कहाँ कहाँ पर हमें चेंज करने हैं अपने रूट्स को और कौन कौन से स्टेशन्स बीच में पड़ेंगे? तो यहाँ पर मैं मेट्रो का आपको A to Z सारा ही प्रोसेस बताऊँगा दिल्ली की मेट्रो में, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे रूट्स पड़ते हैं मेट्रो के और काफ़ी चेंज करने में इशू आते हैं लोगों को और काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको ही सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये हम कर कैसे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल ही एप्लीकेशन लॉन्च की गई है दिल्ली मेट्रो के लिए। अब जैसे यहाँ पर आप दिल्ली में यहाँ पर सर्च करते हैं मेट्रो, तो आपको ये मिल जाएगी। बट यहाँ पर मैं इससे भी इजी प्रोसेस आपको बताऊँगा, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल, ठीक है? बट यहाँ पर मैं आपको पेटीएम से बताऊँगा, क्योंकि पेटीएम से इजी होगा यहाँ पर, और पेटीएम से आप और जगह के भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि दिल्ली के ही पता लगा। तो यहाँ पर जैसे मैं पेटीएम पर जाता हूँ, और पेटीएम पर जाने के बाद यहाँ पर हमें जो है क्या कहाँ पर जाना होगा, हमें यहाँ पर मोर में जाना होगा। मोर में जाने के बाद ट्रेन टिकट पर जाना होगा, ठीक है? जैसे ही ट्रेन टिकट्स पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी मेट्रो, मेट्रो पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मेट्रो पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर हमें दिल्ली मेट्रो दिख जाएगी, ठीक है? इस पर टिक करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए रूट हो गए, यहाँ पर कार्ड रिचार्ज हो गया, QR टिकट्स हो गए। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ स्टेशंस डालने हैं यहाँ जहाँ से हमें जाना है। जैसे यहाँ पर आप कोई से भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर चांदनी चौक से हम सिलेक्ट करते हैं, और दूसरे स्टेशन ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5-7 लाइन होती हैं, मैंने पूरा तो नहीं गिनना का, लेकिन 5-7 लाइन होती है, रेड ग्रीन येलो और पिंक भी यहाँ पर रहती है। अब दिल्ली के अलावा कोई भी और शहरों में सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं होती है, 3 तो लास्ट है, 3 से ज़्यादा आपको लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो है अपनी लाइन को सिलेक्ट कर लेना होगा, जगह का नाम होगा कि आप किस जगह पर जाना है। तो यहाँ पर दिल्ली कैंट में हम चलते हैं या दिल्ली गेट पर चलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना, अब यहाँ पर हमें जो है सर्च कर देना होगा सर्च रूट। जैसे हम इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर हमें ये दिख जाएगा रूट 1 का भी, रूट 2, रूट 3 और यहाँ पर रूट 4, 5, जितने भी आप बदलना चाहें, लेकिन जो सिंपल रिकमेंडेड होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि बार बार तो आप बदलने से रहे, और लेकिन चार्ज भी उसका नहीं लगता है। अगर आप रूट एक दफ़े एक जगह का आपने टिकट ले लिया, तो उसी जगह पर आपको रुकना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप समझेंगे कैसे इसे। देखिए टिकट का प्राइस ₹20 है, और यहाँ पर रूट जो बदल होंगे, इंटरचेंज होगा, वो एक बार होगा, और यहाँ पर स्टेशन बीच में 5 पड़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ से चांदनी चौक से हम बैठे कश्मीरी गेट पर जो है हमें स्टेशन है हमारा सीधा डायरेक्ट, उसके बाद हमें रूट चेंज करना पड़ेगा कश्मीरी गेट से वोइलेट लाइन के लिए, वोइलेट ऐसे कुछ नाम है इसका। उसमें हमें 2 स्टेशन बीच में पड़ेंगे, लाल किला, जुमा मस्जिद, और उसके बाद दिल्ली गेट। तो उसके बाद यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ईजी प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि चांदनी चौक से आप बैठे कश्मीरी गेट पर आपको उतरना पड़ेगा, और वहाँ से रूट चेंज करना पड़ेगा, लाइन बदलनी पड़ेगी, आपको येलो लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर जाना होगा, जो वो वहाँ पर आपको उस जगह पर मिल जाएगी। आपको सिंबल्स वहाँ पर हर लाइन के मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि लाइन पर हमें दूस पर जाना है। तो अब इससे ईजी प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और आपको लाइन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये प्रोसेस वैसे इसका रहता है, प्राइस सब कुछ यहाँ पर आपका आ गया है, टिकट आप वहीं से ले सकते हैं जहाँ से बैठ रहे हैं, तो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर रूट आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली गेट पर नहीं जा रहे, आप कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ का सिलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पर भी आप जा रहे हो, ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर सेक्टर्स वगैरह हो गए नोएडा, क्योंकि नोएडा के भी यहाँ पर एक ही जगह पर पड़ते हैं ये, पटेल चौक पर हम सर्च करते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 स्टेशन बीच में पड़ेंगे चांदनी चौक से, 3 स्टेशन बीच में पड़े हैं, और यहाँ से उसके बाद आपको पटेल चौक मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई भी रूट नहीं है, इसलिए इस पर रूट 1 भी नहीं दिया, 5 स्टेशन बीच में पड़ेंगे, और ₹20 का यहाँ पर टिकट होगा प्राइस। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं ईजीली।
बाकी कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आप आराम से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपको उसका आंसर दूंगा, आप SMS भी कर सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।